एक क्विक लेसन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में सारेगामा कैसे प्ले करना चाहिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। तो जो बिगनर्स हैं उनको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, थर्ड स्ट्रिंग फ्रॉम द बॉटम पे 5th फ्रेट 7th फ्रेट पे होता है, फिर 5 6 8 पे होता है सेकेंड स्ट्रिंग पे, फर्स्ट स्ट्रिंग पे 5 7 8 प्ले होता है। तो एक्चुअली में ऐसा है। ओके तो जब आप ये प्ले कर रहे हो तो आपको फोकस कर रहा है कि आपकी एक भी फिंगर उठे ना, एटलीस्ट वो स्ट्रिंग में। तो जैसे अगर 5 7 है तो देखो मेरी फिंगर बिल्कुल उठ नहीं रही है, फिर 5 6 8, फिर 5 7 8। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी फिंगर्स, आपका आपका जो हाथ है वो गिटार पे बैठना चालू हो जाएगा, जल्दी गिटार को छोड़ेगा नहीं। मतलब आप कुछ भी प्ले करो, यूजुअली जो बिगनर्स होते हैं उनका हाथ ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे ना चल के जितना मिनिमम मूवमेंट होगा उतना अच्छा रहेगा।